हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इंडियन पिनल कोड का आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो भी क्राइम है और जो क्राइम का पूरा प्रोसीजर है, दैट इज स्टेजेस, आप एक चीज़ याद कीजिए कि जैसे कि ये सब्जेक्ट है इंडियन पिनल कोड, दैट इज आईपीसी, तो जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है उसको याद करने का तरीका है आईपीएसी। बस आपको इन बिटवीन एक ए ऐड करना है और हम जानते हैं चारों स्टेजेस क्या हैं, और इन पर्टिकुलर स्टेजेस को हम वन बाय वन चारों को डिस्कस करेंगे और देखते हैं इनमें डिफरेंशिएशन क्या है। तो सबसे पहले आई मतलब इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, और मैं गगनदीप सिंह studies.in से ये इंडियन पिनल कोड का वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको साथ के साथ अपडेट मिल पाएगा नए वीडियोस के रिगार्डिंग। चलिए, जो कमीशन ऑफ क्राइम के रिगार्डिंग जो चारों स्टेजेस हैं इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं और इलेबोरेटिव तरीके से इसको एक बार गो थ्रू करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहला इंटेंशन, फिर प्रेपरेशन, फिर अटेम्प्ट एंड फाइनल स्टेज एकम्प्लिशमेंट। सबसे पहला स्टेज, दैट इज इंटेंशन। देखिए, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम इंटेंशन की बात करते हैं कि एक्स की ये इंटेंशन थी कि वो क्राइम कमिट करे, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूव कर पाना कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर एक पर्सन किसी भी सेकेंड पर्सन से अपनी इंटेंशन शेयर करता है, दैट इज समथिंग ही इंटेंड्स टू डू, जब वो अपनी चीज़ बताता है देन वी कैन कम आउट विद द इंफ्रेंस दैट येस ही इज हैविंग द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। और वो किस वे से बता सकता है, दैट कुड बी ईदर बाय वर्ड्स और कंडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम बात करते हैं इंटेंशन, अगर वो सफिशेंटली क्रिमिनल नेचर की है, इंटेंशन अगर वो सफिशेंटली क्रिमिनल नेचर की है, जैसे कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अनॉयंस, तो ये अपने आप में पनिशेबल है। अब यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन को अगर इलेबोरेट करते हैं, पर्सन ए किसी बी के साथ सिविल डिस्प्यूट में पड़ जाता है और पर्सन ए बी को वॉर्न करता है, अगर तुम मेरे पे कोई भी केस फाइल करोगे सिविल सूट, तो तुम्हारी मैं फैक्ट्री को आग लगा दूंगा। इस केस में जो ये पर्टिकुलर इंटेंशन है जो कि ए ने बी के साथ शेयर की इन द फॉर्म ऑफ वार्निंग, दिस इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड दिस विल बी पनिशेबल। इसके अलावा कुछ और सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं जिन केसेस में इंटेंशन इज पनिशेबल। वो केसेस हैं जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इन केसेस ऑफ सीरियस ऑफेंसेस वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट इज सेक्शन 121 टू 123 और सेडिशन 124 कैपिटल ए। इन केसेस में मेयर इंटेंशन टू कमिट इज पनिशेबल। इसके अलावा कुछ और सेक्शंस हैं, ये हमने एग्जांपल के तौर पे पिक किए। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्रेपरेशन की, और प्रेपरेशन का मीनिंग क्या है, टू अरेंज द मींस और मेयर्स फॉर इंटेंडिंग क्रिमिनल एक्ट। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करनी। मान के चलिए मैंने कोई नाइफ परचेज किया या किसी भी एक्स पर्सन ने कोई नाइफ परचेज किया, अब इस चीज़ को प्रूव करना कि वो नाइफ परचेज करना एक प्रेपरेशन का पार्ट है या नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता उस आदमी का माइंड चेंज हो जाए और वो उसको ऑफेंस के लिए यूज़ मत करे। सो प्रेपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव that the whatever was purchased or whatever the preparations were made for committing an offense, whether that will actually turn out to be offense or not. But अब यहीं पर फिर से इसकी exception है, कुछ cases में जब हम सिर्फ preparation करते हैं but preparation is held as an offense, वो कौन से part हैं, जैसे कि preparation to commit dacoity section 399, प्रेपरेशन और काउंटरफेटिंग कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, वेजिंग वॉर सेक्शन 122। इन केसेस में
पर प्रेपरेशन इज सफिशियंटली हेल्ड टू बी पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड। अब जो थर्ड स्टेज है दैट इज अटेम्प्ट। पहले हमने बात की इंटेंशन की, दूसरी बात की प्रेपरेशन की, अब जो थर्ड स्टेज है दैट इज द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। और अगर अटेम्प्ट को जो टेक्निकल टर्म्स हैं अगर हम उसको एलेबोरेट करें, दैट इज एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कमिट दैट क्राइम। और अगर वो एक्ट जो भी किसी एक्स पर्सन ने किया वो फाइनली उसको अटेम्प्ट करते दौरान उसको अकम्प्लिश नहीं कर पाया, सो वो जो ऑफेंस रह जाएगा इट विल बी टिल द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। एन इंटेंशनल एक्ट बट फेल्स द एक्ट विच इज इनकम्प्लीट, वो किसी भी वजह से, किसी भी इंटरप्शन की वजह से, कोई भी रीजन हो जिससे वो फाइनल जो ऑब्जेक्ट है उस चीज को, अपने एक्ट को अंजाम नहीं दे पाया, इट विल बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट। ए ने बी को नाइफ के साथ, उसकी इंटेंशन थी कि इसका मैं मर्डर कमिट करूं, एवरीथिंग इज प्रूव्ड, बट वो उसका मर्डर कमिट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द इंटरप्शंस, इन दैट केस इट विल बी अटेम्प्ट, राइट। अब जो थोड़े सेक्शंस देखते हैं कि अटेम्प्ट के साथ कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ सेक्शंस हैं जो इंडियन पिनल कोड के अंडर कवर्ड है, इसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब जो अटेम्प्ट है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि अपने आप में ऑफेंस है और अटेम्प्ट का सेक्शन सेम है, दैट इज 121, 124 कैपिटल ए, 125, 130, 152। ये सब मैंने एग्जांपल के तौर पे सेक्शन पिक किए, ये वो सेक्शंस हैं जो अपने आप में ऑफेंस की भी बात करते हैं और अपने आप में ही वो अटेम्प्ट के सेक्शन भी कवर होते हैं। बट इसके अलावा कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ सेक्शंस हैं जो कि सेपरेटली अटेम्प्ट के साथ डील करते हैं, जैसे कि 307 इज फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, 308 फॉर अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, देन सुसाइड, देन रॉबरी। अब जो फाइनल पार्ट एंड द लास्ट स्टेज दैट इज accomplishment, last stage in commission of a crime, if the accused succeeds in his attempt, मतलब जैसे कि हमने example लिया कि A ने try किया कि B को hit करना है, उसने bullet के साथ, pistol के साथ, अगर तो B को वो bullet hit करता है और B की death हो जाती है, that means the person has succeeded in his attempt, this will be a complete offense and it is a accomplished offense, तो वो अटेम्प्ट नहीं आएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं आएगा, रादर इट विल बी मर्डर। इफ इट्स मिस्ड कि उसने पिस्टल से शूट किया बट बी किसी भी वजह से बच गया, उस केस में दैट विल बी अटेम्प्ट, दैट इज द फाइनल ऑब्जेक्ट वाज नॉट अचीव्ड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही मैं रिपीट कर रहा हूं, ए ने बी को पिस्टल से शूट किया और अगर बी की डेथ हो जाती है then A is liable for murder, और अगर B सिर्फ इंजर होता है किसी भी इंटरप्शन की वजह से, उसकी डेथ नहीं होती, एंड ही इज जस्ट इंजर्ड, देन इट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिल पाएं। थैंक्स अ लॉट।